माय यूट्यूब फैमिली, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे आप दोनों की क्विक करंट एनर्जीज। ये पाइल से मैं आपके लिए देखूंगी और ये पाइल से आपके पार्टनर्स के लिए। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ, उसके बाद आपके पार्टनर्स के लिए निकालूंगी, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या आया है कार्ड में। ठीक है शिव शक्ति, प्लीज बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली की करंट एनर्जीज क्या है। चार कार्ड। दो कार्ड आ गए। मेरी यूट्यूब फैमिली की करंट एनर्जीज क्या है। चार। ओके, चार का जागे और ये बॉटम की दो एनर्जीज। ठीक है अब मैं आपके पार्टनर्स के लिए निकालूंगी। शिव शक्ति प्लीज बताएं मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। चार कार्ड। मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर्स के लिए ज्यादा कार्ड निकल गए और ये बॉटम की दो एनर्जीज। ठीक है, आप दोनों के लिए कार्ड निकल गए। अब सबसे पहले मैं आपके लिए देखती हूं कि क्या है आपके कार्ड में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स और ये बॉटम की एनर्जीज, सेवन ऑफ कप्स विथ द सन। ओके, सबसे पहली एक एनर्जी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मैन्युपुलेट हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे वर्क के लिए भी आ रहे हैं और आप सही ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहे, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि ये लूँ कि वो लूँ। यहाँ पे आप सही लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो। जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते उनको ट्रस्ट कर रहे हो। आपकी तरफ कोई एक्शन होने वाला है या आप किसी की तरफ एक्शन लेने वाले हो आज के दिन। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, बट हर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, संभल संभल के आगे अपना पैर आगे कर रहे हैं। ठीक है, अपने कदम संभल संभल के आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इंट्यूटिव हैं। आप लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, टीचर्स हो सकते हो, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, आप कोई स्पिरिचुअल पाथ में हो, हीलर्स हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे या तो रिसेंटली आपको कोई सक्सेस मिला है या आज मिलने वाला है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपको आज मिलेगा। ठीक है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको वर्क के रिलेटेड कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है। आपकी कोई डीप विश थी जो फुलफिल होने वाली है, बस आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव को चुनना है। आप ज्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में दिक्कतें आएगी। आई अंडरस्टैंड, सब लोग नेगेटिव पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता चलता है कि आप अभी नेगेटिव हो रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को स्विच कीजिए और पॉजिटिव होइए। ठीक है, सो ये है आज की आपकी एनर्जीज। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर्स आपकी तरफ आ सकते हैं आज के दिन, और आप लोग अपने पार्टनर्स को भूलने के लिए आप काम में बहुत फोकस रख रहे हो, ये भी एक एनर्जीज है। चलिए अब आपके पार्टनर्स के लिए देख रही हूं। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स,
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स और ये बॉटम की एनर्जीज, सेवन ऑफ कप्स विथ सेवन ऑफ वन. ओ माई गॉड, सेवन सेवन एट एट फोर फोर. आप में भी अभी सेवन ऑफ कप्स आया था और एट ऑफ पेंटिकल्स आया था, राइट? ये देखिए. सो अगर ये उन लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर ने आपको किसी और प्रायोरिटी के लिए छोड़ा था, ओके, चाहे वर्क हो, लोक समाज, फैमिली, कुछ भी, तो वो आपकी तरफ आ रहे, उनकी हीलिंग काफी हद तक हो चुकी है. अगर उनकी हीलिंग बाय फ्लूक अगर नहीं हुई है, थोड़ा बाकी है, तो थोड़ा एक एक डेढ़ हफ्ता और लगेगा, बट वो आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है. आप एक डिवाइन रिलेशनशिप में हो, यू आर डीलिंग विथ योर ट्रू लव, योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम. एंड अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे, तो वो अब आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं. एंड अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, तो वो अभी बहुत उदास है और आपको बहुत मिस करे, चाहे वो आपको दिखाए या ना दिखाए, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर, चाहे वो आपको दिखाए या ना दिखाए, बट वो आपको बहुत मिस करे. स्पेशली जब रात होती है ना, तब उन्हें आपकी याद आती है. वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं. वो चाहे जितना भी अपने आप को काम में पुश कर ले, बट वो आपकी याद से छूटते नहीं है. आपके सपने आते हैं उनको. ये एक एनर्जी है. दूसरी एनर्जी ये है कि जो भी पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स अगर डिस्टॉर्टेड है, अगर आप हैवीली अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो और रात रात भर रोते हो, उदास होते हो, आपके पार्टनर अभी फिलहाल आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं है. वो अभी, उनके पास जो प्रायोरिटीज है ना, उनके ऑप्शंस, वो उसी ऑप्शंस में खुश है, क्योंकि उनको उनको खुशियां चाहिए, चाहे ऐसे मिले कि वैसे मिले. इसीलिए शायद उन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया आप दोनों के बीच में. बट गुड न्यूज ये है कि ये ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी हील होंगे. क्योंकि ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है. यस, ब्लॉकेजेस हील होंगे. जैसे उनका फाइनेंशियल ग्रोथ ऊपर तक पहुंचेगा एंड उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आएंगी, तब वो आके आपको कमिटमेंट देंगे, डेफिनेटली देंगे. आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, चाहे स्लोली आए या सोच समझ के आए, जैसे भी, बट आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे. क्योंकि देखिए, वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, उनको स्टेबल लाइफ भी चाहिए आपके साथ, एंड वो आपके साथ घर भी बसाना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं. क्योंकि ये डिवाइन रिलेशन आप देख रहे हो, एंजल्स कैसे दोनों को ब्लेस कर रहे हैं. ये फायर एनर्जी है, ये कर्मा के ऊपर देख रहे हैं, और ये जो फेमिनिन एनर्जी है, ये गॉड को ही देख रही है कि आप करो कुछ अभी, राइट? सो जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल जो भी, वो कार्मिक में उलझे होंगे, बट वो वहां से रिलीज होके बहुत जल्दी आपके पास आएंगे. जस्ट आपको अपने डिवाइन पे भरोसा रखना है, ठीक है? प्लीज क्लेम दिस एनर्जी एंड अपने ऊपर विश्वास रखिए, ना कि लोग क्या कहते हैं उस पे, ठीक है? अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें से सीखिए कि क्यों गलत हो रहा है एंड लर्न करके आगे बढ़िए, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल. हर हर महादेव. थैंक यू.